अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस करना है एक और कॉन्सेप्ट जो केसिस बेसिस से रिलेटेड है, ठीक है। और वो क्या है? आर्गेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आर्गेनियस कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, ठीक है। हमें ये अलग से डेफिनेशन बताता है। हमने जनरल डेफिनेशन देख ली है कि एसिड क्या है और बेस क्या है। तो अब डिफरेंट साइंटिस्ट इसके बारे में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखे हुए थे, ठीक है। और वो यही बता रहे थे कि हमारे अकॉर्डिंग एसिड क्या है और बेस क्या है। उन्होंने अपनी स्टडीज़ की, ठीक है, जिसके बेसिस पर उन्होंने कंक्लूजन निकाली और वो कंक्लूजन उसने हमें बता दी, ठीक है, जो कि इस बुक की फॉर्म में हमें मिली और हम उसको पढ़ें, ठीक है। और दाई सी बात है, किसी भी चीज़ का नॉलेज को जरूर तो नहीं होता, ठीक है। और ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में जो हमारे इर्द गिर्द हैं, ठीक है, उनका जो है वो ज़्यादा एनालिसिस जो है ये पेश किया गया है, ठीक है, कि हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं उसकी नेचर कैसी है, ठीक है, या फिर जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है, जैसे कि विनीगर है, उस जो केमिक जो हम लोग फूड चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उनकी नेचर क्या है। तो इस तरह से ये आपके लिए फ्रूटफुल ही है अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़े तो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। जिसकी आर्गेनियस का कॉन्सेप्ट है, आर्गेनियस ने 1787 में हमें बताया था, 1787 में इसने हमें क्या बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और जो बेसिस होती है हाइड्रोक्साइड रिलीज़ करती हैं, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम पहले एसिड को देख लेते हैं, साथ में उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर बेस को देखते हैं, ठीक है, ठीक है। जी, इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसोसिएशन गिव हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो डेफिनेशन आपकी बुक पर भी लिखी हुई है कि एसिड क्या है। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसोसिएशन गिव हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, जो हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है जी। वो सब्सटेंस होता है जो डिसोसिएशन पे, डिसोसिएशन की कैसे होती है, जब भी इसको पानी में डाला जाता है, ठीक है। डिसोसिएशन इन एक्वस मीडियम का मतलब यही है कि जब इसको पानी में डाला जाता है तो हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो इनको हम एसिड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि HCl है, HCl को अगर हम देखें, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, हाँ जी, ठीक है। तो H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव हमें मिलेगा, यही होगा। इस तरह से अगर HNO3 है, इसका भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर H2SO4 है, उससे से भी H पॉजिटिव, H2SO4 अगर देखा जाए तो H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो है ना एसिड्स, वो डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रोटॉन्स तो वो रिलीज करेंगे ही, उनके साथ जो नेगेटिव चार्ज आयन होगा वो अलग हो जाएगा, और एच पॉजिटिव जो है वो अलग हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, ठीक है। कैसे होगा ये, जैसे कि अगर आप एच मैं एग्जाम्पल लेंगे, बाकी सारे भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके आउटर मोस्ट में एक है, इसको अपना डुप्लेट कम्प्लीट करना है। डुप्लेट ऑक्टेट हमने चैप्टर नंबर 3 में केमिस्ट्री 9 क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कस किए हैं, अगर आपने मूवीज करती हैं लेक्चर तो जाकर उनको देखो, ठीक है। कि इसके आउटर मोस्ट में एक है, ठीक है, और इसके अलावा क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7, ठीक है, 7 ही है ना, सही। तो ये अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 पूरे करने हैं, इसने 2 पूरे करने हैं। जैसे बाद इसके पास भी एक अनपेयर है, इसके पास भी अनपेयर है, दोनों ही बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये जाएंगे, ठीक है, तो जब ये पानी में जब हम इसको डालेंगे ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी की तरफ जो है वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ठीक है जी, तो ये प्रोटॉन्स रिलीज हो जाएंगे, इस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया है, ठीक है, वो उसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। इस तरह से ये सारा होता है, ठीक है जी। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह से उसने बेस के बारे में हमें बताया कि जो बेस होती है वो क्या करती है, एसिड वाला आपको क्लियर हो गया, ठीक है, आपने नोट डाउन कर लेना था, ठीक है जी। उसके बाद बेस, बेस बेस क्या होती है जी, इसके अकॉर्डिंग बेस जो होती है ये ऐसा सब्सटेंस होती है, सब्सटेंस विच ऑन डिसोसिएशन हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है, जो कि जब इसकी पानी में डिसोसिएशन होती है हाइड्रोक्सल आयन देती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं बेस BOH, इसको जब हमने एक्वस मीडियम यहाँ पे पानी में जब इसको डाला तो ये हमें बना दिया B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव,
ठीक है, तो ये बेस हो गया, ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि हमने एसिड में भी तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बना था, तो वो जो नेगेटिव है वो बेस क्यों नहीं है, क्योंकि वो हाइड्रोक्सिल नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हाइड्रोक्सिल ही रिलीज होना चाहिए तभी हम उसको बेस मानेंगे, अदरवाइज हम उसको बेस नहीं मान सकते, ठीक है, तो ये बेस, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बी की जगह पे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा दो तो आपके पास आ जाएगा एन ए पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सिल नेगेटिव, ठीक है, सही हो गया। उसके बाद और कौन सी बेस होती है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, वो आप लगा दो तो आपके पास के पॉजिटिव आ जाएगा प्लस हाइड्रोक्सिल नेगेटिव। इसी तरह से जितने भी बेसिस हैं, ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल आए देती हैं वो बेसिस हैं आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने हमें ये कॉन्सेप्ट बताया था जी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जैसे कि एसिटिक एसिड की भी आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है, क्योंकि वो वीक एसिड है, ठीक है, तो वो भी आपको हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो प्रोड्यूस करके बता सकता है, ठीक है, नहीं सॉरी, वो तो वीक एसिड यानी कि है तो एसिडिक, मैं बेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो भी बेस ही है, ठीक है। फिर से हाइड्रोक्सिल आयन जो भी आपको चीज़ दे सकती है दैट इज विल एक्ट एज इन बेस, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी ओवरऑल डेफिनेशन क्या बनी, एसिड वो है जो प्रोटोन देता है और जो बेस है जो हाइड्रोक्सिल आयन देती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस इसकी लिमिटेशंस कुछ इस तरह से थी आर्किमिडीज कॉन्सेप्ट की। ये हमने देखा एसिड की डेफिनेशन भी हमने देखी और बेस की डेफिनेशन भी हमने देखी, दोनों हमने चीज़ एक कॉमन देखी कि एसिड भी प्रोटॉन तभी रिलीज करेगा जब वो किसके अंदर पानी के अंदर डिजोल्व किया जाएगा, और बेस भी तभी हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगी जब वो पानी के अंदर यानी कि एक्वस मीडियम के अंदर डिजोल्व की जाएगी। तो इसकी लिमिटेशन ये थी कि इसने हमें नॉन एक्वस मीडियम में, ठीक है, कोई भी एसिड बेस के बारे में नहीं बताया कि अगर एक्वस मीडियम ना हो तो तब हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड क्या है और बेस क्या है, ठीक है। तो उसकी लिमिटेशन ये होगी कि इट एक्सप्लेन्स एसिड एंड बेस ओनली इन द एक्वस मीडियम, ठीक है। एसिड एंड बेस इन द एक्वस मीडियम, ठीक है। एक्वस मीडियम के अलावा उसने हमें बताया नहीं कि हमें कैसे पता चलेगा एसिड क्या और बेस क्या, ठीक है। पहली लिमिटेशन इसकी ये होगी। दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या थी, दूसरी लिमिटेशन इसकी ये थी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जैसे बेस, हाँ जी, एसिड और बेस वही कंपाउंड हैं जो कि हाइड्रोजन रिलीज करते हैं और बेस रिलीज, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि एसिड वो है जो कि हाइड्रोजन रिलीज करता है और बेस वो है जो कि हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे कंपाउंड जो कि एज एन एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हमें लिवॉइजर ने बताया था 1787 के अंदर कि जो कार्बन ऑक्सीजन के जो बाइंडिंग कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड है वो एज एन एसिड एक्ट करते हैं, क्योंकि जब उनको पानी में डिजोल्व किया जाता है वो एसिडिक सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। यदि एज एन एसिड बेस एसिड एक्ट करता है तो इसका हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसके अलावा अमोनिया है, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन इसके साथ नाइट्रोजन है और ये एज अ बेस एक्ट करती है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये बेस है और ये एसिड है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक्वस मीडियम में नहीं हम स्टडी कर रहे, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी दो, ठीक है, जिसकी वजह से एक नेक्स्ट साइंटिस्ट ने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया, वो था ब्रॉन्स्टन डोरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि बहुत ही इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि इसने ये लिमिटेशन छोड़ी थी अपने कॉन्सेप्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आना जरूरी हो गया, ठीक है जी। तो वो था ब्रॉन्स्टन डोरी का कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सारी कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है, उसके अलावा इस बेसिस के चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है जी, और आया हो तो बिल्कुल आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है, ताकि मेरी एफर्ट को जो है वो थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है ये कॉन्सेप्ट, और ये पेपर में आता होता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत जो है ना ये ईजी भी है करना और इनको अटैम्प्ट करना तो और भी ईजी है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। एसिड क्या है और बेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई हैं, जैसे कि बिल्कुल मेरे माइंड में एक एग्जांपल है, जैसे कि मोबाइल है, अरे इतने दिन मोबाइल हुआ करते थे बटनों वाले, ठीक है, फिर थोड़े से बड़े आ गए, फिर जी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होगी, वक्त के लिहाज से पता चला कि जी और ज़्यादा एडवांस होने चाहिए मोबाइल, ठीक है, जिस तरह से एडवांसमेंट आती चली जाती है बिल्कुल इस तरह से एसिड बेस जो जो लिमिटेशन से इनको दूर करते करते नए नए कॉन्सेप्ट आते गए और हमें इसके बारे में और ज़्यादा
क्लियरली पता चलता है क्या। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।